नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स डॉट शिक्षा व्यवसाय की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं डिस्कस करूंगा एयर कंडीशनर के पावर कंजम्पशन को कम करने के आसान और सुलभ उपाय। दोस्तों, आपके पास बाइक या कार जरूर होगा। अगर 50 की स्पीड चाहिए तो क्या करते हैं? शुरुआत में फुल एक्सीलेटर, जो ही गाड़ी का स्पीड 50 हुआ एक्सीलेटर छोड़ देंगे। इसके बाद बस थोड़ा एक्सीलेटर रखेंगे, क्योंकि यहाँ से 50 के स्पीड को मेंटेन करना है। लगभग यही होता है इन्वर्टर कंप्रेसर के द्वारा एसी सेटअप में। फास्ट कूलिंग के लिए शुरुआत में फुल स्पीड। जब कमरे का तापमान सेट कूलिंग लेवल पर आ गया तो यहाँ से कंप्रेसर का होगा नॉर्मल स्पीड, क्योंकि कमरे में कूलिंग को बस मेंटेन करना है और इसके कारण होता है लो पावर कंजम्पशन। दोस्तों, हमारे शरीर का तापमान होता है 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अगर कमरे का तापमान इससे कम रखेंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। एक जनरल कैलकुलेशन है, अगर एसी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो एसी का पावर कंजम्पशन 6% बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि एसी की बिजली की खपत है 100 यूनिट 24 डिग्री सेल्सियस पर, तो 23 डिग्री सेल्सियस पर बिजली की खपत होगी 106 यूनिट। यह कोई फिक्स रूल नहीं है, एक जनरल कैलकुलेशन है। दोस्तों, एसी का सुपर लो टेम्परेचर जैसे कि 16 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। अब बहुत सारे ज्ञानचंद के मन में यह सवाल जरूर आएगा, तो मैं अभी बता देता हूँ कि ठंडे इलाके में और मशीन के द्वारा ठंडे किए गए कमरे में आसमान धरती का फर्क है। जिस कमरे में एसी लगा है उसके खिड़कियों को अच्छी तरह से सील करें, और जब एसी चल रहा है तो दरवाजे कम खोलें। अगर हो सके तो स्प्रिंग वाला लॉक लगा दें एसी रूम के दरवाजे पर, जो बलपूर्वक दरवाजे को बंद करता है, अगर बंद करना भूल गए तो। जिस एसी का रेगुलर सर्विस होता है और जिस एसी का रेगुलर सर्विस नहीं होता है, दोनों के पावर कंजम्पशन में करीब 10-12% का अंतर होता है। साथ ही अगर एसी का रेगुलर सर्विस करवाते हैं तो एसी का होगा लॉन्ग लाइफ और मेंटेनेंस पर होने वाले पैसे भी बचेंगे। दोस्तों, ये हैं 5 सबसे बढ़िया इजी मेथड, जेन्युइन मेथड एसी के पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।